सर्दियों का मौसम था, चारों तरफ घना जंगल था। एक बड़े से महल के सामने टीना, रोहित, शिवानी, आदित्य और अनुष्का खड़े थे। तुम्हारी अजीबोगरीब ख्वाहिशों का अंत होना लगभग नामुमकिन नजर आता है। हमारी मीटिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए तुमको यही भूत बंगला मिला था। एक स्टोरी है इसके बारे में। एक समय में ये राजा भानु प्रताप सिंह का महल हुआ करता था। भानु प्रताप ने राजगढ़ की राजकुमारी दमयंती से शादी की और दोनों प्यार से रहने लगे। लेकिन शादी के बाद राजा की बुद्धि मानो भ्रष्ट हो गई। वो हर 3 महीने में एक नई दुल्हन महल ले आता। इसको शादी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था क्या? उसने रानी दमयंती के पास तक आना छोड़ दिया था और भोग विलास में डूब गया। रानी दमयंती ने उसका विरोध किया तो उसने रानी को एक ताबूत में बंद करके महल में खुफिया जगह में छिपा दिया। कहा जाता है कि मरते मरते रानी दमयंती ने उसे श्राप दे दिया कि वो और उसके सैनिक हमेशा के लिए इस महल में कंकाल बनकर भटकते फिरेंगे, कभी भी आजाद नहीं हो पाएंगे। ओह माय गॉड, आगे क्या हुआ? होना क्या था, रानी के मरने के कुछ ही सालों बाद उसका श्राप शुरू हो गया। राजा और उसकी पूरी सेना सड़ गल कर कंकाल बन गए। उसके बाद सैकड़ों सालों से यहाँ कोई नहीं आया और लोगों ने इसको कंकालों का महल नाम दे दिया। और तुम चाहते हो कि हम हमारी मीटिंग एनिवर्सरी यहाँ सेलिब्रेट करें? हा? अरे चलो यार, कुछ नहीं होगा, मैंने सारा अरेंजमेंट कर दिया है। वो पांचों महल के अंदर चले गए। महल अंदर से बहुत ही आलीशान था। मैंने दिन में आकर कुछ आदमियों से यहाँ की सफाई करवाई थी, आओ चले। वो उनको एक कमरे में लेकर गया। अंदर एक टेबल लगी हुई थी जिस पर एक स्पीकर रखा हुआ था। पास ही जमीन पर एक आइस बॉक्स रखा था। अरे वाह, इस आइस बॉक्स में क्या है? आदित्य ने उस बॉक्स को खोला तो उसके अंदर कुछ ड्रिंक्स और एक केक रखा था। अरे वाह यार, तूने तो पूरी तैयारी कर रखी है। आदित्य ने केक निकालकर टेबल पर रख दिया। उन दोनों ने एक साथ छुरी पकड़ी और केक कट किया। तभी स्पीकर अपने आप बजने लगा। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। ये आवाज इतनी भयानक थी कि सभी चौंक पड़े, लेकिन ये गाना लगातार बजता रहा। Stop this! Sorry baby, तुम्हारा तो मूड खराब हो गया, अभी इसको ठीक करता हूँ। तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है, चलो दिखाता हूँ। ऐसा कहकर वो अनुष्का को दूसरे कमरे में ले गया। इस कमरे में 4 सिपाहियों के कंकाल खड़े थे। इस भूत बंगले में क्या सरप्राइज देने लाए हो मुझे? देता हूँ यार, पहले इधर तो आओ। तभी अनुष्का के सामने खड़े कंकाल की आंखें लाल लाल चमकने लगी। क्या हुआ बेबी? वो कंकाल, उसकी आंखें। तभी दूसरे कंकाल ने आगे बढ़कर आदित्य का हाथ पकड़ लिया। आदित्य ने धक्का देकर अपने आप को उससे छुड़ाया और दोनों कमरे से बाहर भाग आए। चारों कंकाल अब जिंदा हो चुके थे। वो दोनों डरते हुए मेन डोर की ओर भागे तो एक कंकाल पहले से ही वहां खड़ा था। वो दोनों कॉरिडोर से होते हुए एक कमरे में घुस गए। दूसरे कमरे में रोहित और शिवानी थे। मेरा कोई बॉयफ्रेंड होता तो मैं भी आज उसके साथ डांस करती। तभी ऊपर से उस पर एक कंकाल आ गिरा। मेरी जान, मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लो। तभी एक दूसरा कंकाल वहां आ गया। अबे छोड़ी से, ये मेरे काम आएगी, मैं मरने से पहले अंधा हो गया था। ऐसा कहकर उसने टीना की आंख में मारकर उसकी दोनों आंखें निकाल ली।
फिर उसने अपनी आंखों के गड्ढों में टीना की आंखें लगा ली। मुझे अब सब कुछ दिख रहा है। टीना अंधी होकर जमीन पर रेंग रही थी। उसकी आंखों से खून और मुंह से कराहने की आवाजें निकल रही थीं। रोहित, शिवानी, कहाँ हो तुम लोग? तभी किसी के कदमों की तेज आवाज उसे सुनाई देने लगी, लेकिन वो देख नहीं सकती थी। अंधेरे को चीरती हुई एक आकृति बाहर आई। ये कंकाल राजा का था। उसके सर पर ताज था, उसके हाथ में एक तलवार भी थी। महल में आपका स्वागत है, हमारे मेहमान नवाजी स्वीकार कीजिए। ऐसा कहकर उसने एक ही झटके में टीना की गर्दन उड़ा दी। आ जाओ मेरे सिपाहियों, अपनी भूख शांत कर लो। तभी तीन कंकाल भागे भागे आए। आज तो पार्टी हो गई। अचानक से एक कंकाल ने शिवानी का हाथ पकड़ा और उसे तेजी से घसीटने लगा। रोहित शिवानी को पुकारता हुआ उसके पीछे भागा, लेकिन वो कंकाल शिवानी को एक कमरे में ले गया और अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी रोहित को पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो कंकालों का राजा उसके सामने खड़ा था। कंकालों के महल में आपका स्वागत है, ऐसा कहकर उसने रोहित की गर्दन पकड़ ली। और एक ही झटके में उसे ठंडा कर दूर फेंक दिया। अनुष्का और आदित्य एक कमरे के अंदर डरी हुई हालत में ही थे। आज ये दोनों नहीं बचेंगे। बाहर से आती खौफनाक आवाजें उनके दिलों को दहला रही थी। तभी दरवाजे पर राजा और उसके पीछे दो सिपाही कंकाल नजर आए। इसे मैं खाऊंगा महाराज। बेवकूफो, सब लड़कियों को मार दोगे तो मैं रानी किसे बनाऊंगा? ऐसा कहकर वो उन दोनों के पास गया। उसने आदित्य को पकड़कर कमरे के बाहर फेंक दिया और फिर अनुष्का को थाम लिया। तुम बनोगी मेरी नई रानी। बाकी दोनों कंकाल उसे एक कमरे में ले गए, जहां ले जाकर उन्होंने उसे जमीन पर पटक दिया। अब हम इसकी पार्टी करेंगे। तभी कमरे में एक आवाज गूंजी। मुझे बाहर निकालो। ये आवाज सुनते ही दोनों कंकाल वहां से भाग निकले। आदित्य ने देखा कि ये आवाज दीवार पर लगी एक पेंटिंग से आ रही थी। ये पेंटिंग दमयंती की थी। उसके पीछे एक गुप्त कमरा था, जहां उसे एक ताबूत रखा हुआ नजर आया। धमधम की वो आवाज ताबूत के अंदर से ही आ रही थी और उसके अंदर से रानी दमयंती का कंकाल उठ खड़ा हुआ। आदित्य वहां से भाग निकला। तू फिर से आ गया, अभी तुझे दिखाता हूँ। रुक जा राक्षस। ऐसा कहते हुए दमयंती का कंकाल वहां आ पहुंचा। उसने झट से राजा का गला पकड़ लिया। उसके पैर हवा में उठ गए। राजा का गला पकड़े वो कमरे की दीवार को तोड़ती हुई उनकी आंखों से ओझल हो गई। ये कहानी दो वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर्स की है, अर्नव और विकास। दोनों एक दिन बंगाल के एक जंगल की फोटोग्राफी करने निकले थे। लौटते वक्त रात होने लगी और बीच जंगल में उनकी जीप भी खराब हो गई। अरे क्या मुसीबत है, अब बीच जंगल में रात को मैकेनिक कहां से मिलेगा? तुमने सब कुछ ठीक से चेक किया? मुझे मेरा काम मत सिखाओ। नाराज क्यों होते हो अर्नव? बस पूछ रहा था। अब फंस गए यहां जंगल में। मैं फोन ट्राई करता हूं। बीच जंगल में नेटवर्क? कौन सी दुनिया में हो? चलो फिर कुछ दूर जाकर ट्राई करते हैं, नेटवर्क मिल जाए शायद। कैमरा यहीं जीप में रख लेते हैं। चलो और कर भी क्या सकते हैं। यार बहुत दूर आ गए,
ऊपर कोई सिग्नल नहीं मिल रहा। रात भी हो चुकी है, इस वक्त तो जंगल के शेर और भेड़िए शिकार करने निकलते हैं। जीप में भी कोई फायदा नहीं, ओपन जीप है। अब क्या कर सकते हैं बोलो? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? कुछ तो करना ही होगा। तो फिर चलो ढूंढते हैं कोई रास्ता। ये क्या डॉल? ये बीच जंगल में डॉल कहां से आ गई? हेलो, कोई है यहां? हेलो, पागल की तरह चिल्लाओ मत विकास, देखते नहीं हो इस डॉल में ये पिंस लगी हुई हैं। इसका क्या मतलब? अरे भाई, ये वुडू डॉल है, काला जादू। वुडू? जंगलों में काले जादूगर रहते हैं, अघोरी और तांत्रिक। संभल कर, सुना है यहाँ नरबली भी होती है। नरबली मतलब इंसान की बलि? हाँ। अरे तुम्हें डर नहीं लग रहा? डरने से कुछ नहीं होगा, चलो यहां से। वो देखो, इंसान के बाल, ये खून भी इंसान का है। यहां कुछ बहुत भयानक हुआ है विकास। ये खून 2 या 3 दिन ही पुराना लगता है, शायद जिसने भी इसे मारा है वो अब भी यहीं पर है। कोई आ रहा है, चलो इस तरफ। वो देखो वहां। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय। हे भगवान, ये क्या करने वाले हैं? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय। लगता है ये बलि की तैयारी कर रहे हैं। चलो चलते हैं यहाँ से विकास, चलो। मगर ये हमें देख लेंगे, यहीं छिपे रहना ठीक है। आओ जागो शैतान, जागो शैतान, जागो शैतान। ये तो शैतान को बुला रहे हैं। शैतान जागो, जागो शैतान, शैतान मांगता है बलि। बलि 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 बलि। हे भगवान, ये तुमने क्या किया? बलि 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 बलि। नहीं नहीं, छोड़ दो छोड़ दो, नहीं छोड़ दो। तुम लोग ये नहीं कर सकते, समझे? हमारे बॉस हमें ढूंढ रहे होंगे। विकास कुछ बोलो, कुछ बोलो विकास। शैतान मांगे बलि 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 बलि। ये विकास को तो सांप सूंघ गया है, मुझे ही कुछ करना होगा। मेरी पॉकेट में, हाँ, पेन नाइफ। डरो मत, हम यहां से बच निकलेंगे। जान बची, लेकिन अब यहां से भाग निकलना है। अगर भगवान का साथ है तो जीप अब स्टार्ट होगी। जीप स्टार्ट हो गई, मैंने कहा था ना। चलो विकास, आज हमारा नसीब अच्छा है। जीप में बैठो जल्दी, मुझे उन दरिंदों की आवाज सुनाई दे रही है। निकलो यहां से। विकास विकास, चल यार बैठ जा। विकास, मगर ये क्या?
सॉरी यार, शैतान को बलि तो चाहिए, पर तुम समझो, तुम बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो। जिस तरह 99 जवान मर्दों ने तुमसे पहले किया है, आज आखिरी बलि है और हमारा काम खत्म। ये क्या, ये तुम क्या? बलि 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 बलि। बंगाल, आसाम, बिहार और पड़ोस के राज्यों में निशी या निशी दाग की कहानियां प्रचलित हैं। ये किस्म का भूत है जो रात के अंधेरे में लोगों को पुकार कर उन्हें अपना शिकार बना लेता है। ये कहानी निशी दाग की एक कथा पर आधारित है। काका, एक सिगरेट देना। बाबू, कहीं दूर से आ रहे हो? हां, शहर की तरफ यही रास्ता जाता है ना? जी बाबू, यहां से 1 किलोमीटर दूर आपको हाईवे मिलेगा। पर आप चलकर क्यों जा रहे हो? ऑटो मिली थी स्टेशन से, पर रास्ते में खराब हो गई। खराब हो गई? हंस क्यों रहे हो काका? ऑटो यहां खराब नहीं होती, कर दी जाती है। इसका मतलब? वो ड्राइवर आपको झूठ कह गया, उसे इस रास्ते आना नहीं था। वो क्यों? खैर, आप शहर के हो, आप शायद यकीन नहीं करोगे। बता कर तो देखिए। ठीक है, तो सुन लो, इस रास्ते पर एक अजीब किस्म का भूत रहता है, उसे निशी कहते हैं। निशी? हाँ, एक मृत्यु आदमी का भूत, जिसे अपनी जिंदगी में कभी खुशी नहीं मिली। अब मौत के बाद वो यहाँ भटकता रहता है और आप जैसे लोगों को अपना शिकार बनाता है। मैं नहीं समझा। वो आपको पीछे से पुकारेगा, किसी जाने पहचाने दोस्त या रिश्तेदार की आवाज में। पर अगर पीछे मुड़कर देखा तो वही किस्सा खत्म। ये क्या कह रहे हो? मैं जानता था कि आप विश्वास नहीं करोगे। आगाह कर देना मेरा काम है। ये बात याद रखना, निशी किसको दो बार ही पुकार सकता है, पर आप पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे वो किसी की भी आवाज में आपको पुकारे। बकवास। खैर, मनोरंजन के लिए शुक्रिया। निशी? ये गांव वालों के किस्से भी अजीब होते हैं। और कितना दूर है ये हाईवे? रास्ता खत्म नहीं हो रहा। सोनू, सोनू,
आवाज, ये तो सुमन की आवाज है। सुमन, अगर पीछे मुड़कर देखा तो वही किस्सा खत्म। ये नहीं हो सकता, सुमन को तो मरे हुए 2 साल हो गए, वो मुझे नहीं बुला सकती। मुझे नहीं देखोगे सोनू, मुझसे बात नहीं करोगे, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही यहाँ आई हूँ। ये नहीं हो सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सुमन, मगर अब तुम इस दुनिया में नहीं हो, तुम निशी हो। शायद वो चली गई। ये रास्ता खत्म क्यों नहीं हो रहा? ये साड़ी, ये तो सुमन की है। मत देखो उसे संदीप, मत देखो, ये सुमन नहीं हो सकती, ये सुमन नहीं है। मेरे सोनू, अब तुम मुझे देखो भी नहीं सोनू। दूसरी पुकार, निशी तक की दूसरी पुकार। नहीं, ये सुमन नहीं है, मुझे पीछे नहीं देखना है। हाईवे, वो रहा हाईवे, मैं बच गया। फोन है, बस शायद होटल वाले का फोन है। हेलो हेलो, ए सोनू, मुझे देखो ना। एक्सीडेंट, बकवास, बेचारा आदमी।